हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको अल्ट्राटॉन की गेमिंग चैनल पर। गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अल्ट्राटॉन। तो फिलहाल आज का जो प्रैक्टिस मैच है वो स्टार्ट हो चुका है और फिलहाल हम लोग मिलिट्री बेस के साइड हैं। मिलिट्री बेस में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फिलहाल चार टीम यहाँ पे मौजूद है। तो फिलहाल स्लॉट नंबर 22 के जो बंदे हैं, हांगरी के टीम के बंदे हैं, वो यहाँ पे एक बंदा नॉक फिनिश सोचे हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो बंदा है यहाँ पे पावर वाइटी को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। गया गया बंदा स्लॉट नंबर 20 के बंदे उनको नॉक फिनिश किए। स्लॉट नंबर 1 के दो बंदे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे 7-6 के टीम के बंदे एक बंदे को डाउन करते हुए किल फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। कौन सा साइड में है वो जाएंगे जरूर, बट यहाँ पे क्लोज रेंज पे जो फाइट चल रहा है वो कवर अप करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्लॉट नंबर 20 के बंदे यहाँ पे मिडिल सी बिल्डिंग के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। एक्स मैक्स की टीम यहाँ पे साइड वाले कंपाउंड में दिखाई दे रहे हैं। एक्स मैक्स रावण टावर के ऊपर चढ़ के बंदे को स्पॉट करेंगे। हाथ में उनका स्कायरल है विद सप्रेसर। स्लॉट नंबर 20 के बंदे टावर डब के टीम के बंदे यहाँ पे रोड के साइड वाले बिल्डिंग के साइड मौजूद थे। अभी स्लॉट नंबर 1 के ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, बट स्लॉट नंबर 1 के बंदे यहाँ पे फुल हीलिंग कर लिए हैं। पहले बहुत ज़्यादा ज़्यादा मिट्टी के साथ थे, बट स्लॉट नंबर 20 स्लॉट नंबर 1 के बंदे को फिनिश करके यहाँ पे अपने टीममेट को रिवाइव देने के पूरी लूट भी कंप्लीट कर लेंगे। चमत्कार नाम का जो बंदा था वो यहाँ पे फिनिश होते हुए स्लॉट नंबर 20 के बंदे के साइड से दिखाई दिए हैं। बट स्लॉट नंबर 25 के टीम के बंदे एक्स मैक्स के टीम के जो बंदे हैं वो फायर करना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी भिड़ने वाला है स्लॉट नंबर 20 और स्लॉट नंबर 25। स्लॉट नंबर 20 वो टीम टपाटप के टीम के बंदे हैं, झारखंड के टीम के बंदे हैं। स्लॉट नंबर 25 ओडिशा के टीम के बंदे हैं। ओडिशा का टीम और झारखंड की टीम आपस में भिड़ेंगे, बट यहाँ पे स्लॉट नंबर 25 के बंदे अलग अलग हो चुके हैं। बट यहाँ पे एक्स मैक्स की टीम की तीन ही बंदे को दिखाई दे रहे हैं। चौथा बंदा कहाँ है वो देखना पड़ेगा, बट लेजेंड थॉर ये दोनों सेक के आसपास सिमेट्री के आसपास। बट रावण का देखिए वो टावर के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, उस साइड से वो डाउन कर पाएंगे या फिर नहीं वो देखना पड़ेगा। बट एक्स मैक्स के टीम के साइड से जैसे डाउन किया जाएगा वो लोग चढ़ेंगे या फिर अर्ली फाइट नहीं लेना चाहेंगे वो भी देखेंगे। बट स्लॉट नंबर 20 के बंदे अभी भी सी बिल्डिंग के साइड लूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओह, चमत्कार को यहाँ पे फिलहाल डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्स मैक्स रावण ने यहाँ पे उनको डाउन किए हैं, बट चमत्कार को आई थिंक यहाँ पे गलत बोल दिया था मैं, यहाँ पे वो फिनिश हो गया था, बट ऐसे बोल दिया था, बट ये मैं गलत था, थोड़ा सा मेरे ही गलती है, माफ़ी चाहूँगा। स्लॉट नंबर 25 के बंदे एक्स मैक्स रावण उनके ऊपर टपाटप गोलियों की बरसात करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है क्योंकि स्लॉट नंबर 20 के बंदे उनके उनको स्पॉट कर चुके हैं। राइवल की टीम के बंदे यहाँ पे मैट्रिक्स नाम के बंदे को यहाँ पे डाउन किए हैं। पावरफुल बॉय नाम का भी बंदा डाउन हो रहे हैं। मलिक एम के वो भी डाउन है, किल फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। मलिक एम के वो भी फिनिश हो चुके हैं। टपाटा मुन्ना वहाँ फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा डाउन एचपी हो गए हैं। एक्सपेक्स रावण यहाँ पे अगर उनके पास अगर M4 होता तो यहाँ पे वो थोड़ा सा बेहतर फाइट कर पाते, बट स्काइरल की जो सीन है ना और रिक्वेल जो है वर्टिकली होता है। और फिलहाल एक्स मैक्स के टीम के ऊपर स्लॉट नंबर 20 के बंदे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्लॉट नंबर 20 के दो बंदा यहाँ पे नॉक डाउन, एक बंदा फिनिश। तीसरा बंदा जो है एक्स मैक्स के जो टीम के बंदे थॉर वो यहाँ पे डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट स्लॉट नंबर 25 के एक बंदा उन एक्स मैक्स रावण के ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। चमत्कार थोड़ा सा लो एचपी के साथ हैं और बट एक्स मैक्स मुन्ना जो है वो अभी तक फिनिश नहीं हुए हैं, वो कवर में आ चुके हैं।
चमत्कार। वो क्या करने का कोशिश करेंगे वो देखेंगे। रावण उनके ऊपर स्प्रे दे सकते हैं, बट रावण को स्पॉट करके यहाँ पे चमत्कार थोड़ा सा स्प्रे दिए हैं। चमत्कार को यहाँ पे मुन्ना को टच करना पड़ेगा, नहीं तो मुन्ना गया काम से। बट एक स्मैक्स के टीम के बंदे वो फिलहाल अपने टीममेट को रिवाइव दे चुके हैं। मुन्ना टपा डप खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। टपा डप के टीम के बंदे टपा डप खा के डाउन हो चुके हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा लो एच पी हो चुका है। मुझे लगता है कि मुन्ना भी बच नहीं पाएगा, चमत्कार भी बच नहीं पाएगा। एक स्मैक्स के टीम के बंदे फिलहाल टपा डप के टीम के बंदे को फिनिश कर चुके हैं। एक भी बंदे को बिना खोए यहाँ पे चार किल सिक्योर कर चुके हैं। दूसरे साइड चलेंगे जहाँ पे लग चुका है आग, और मिल्टा के साइड में हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1v1 का सिचुएशन है। स्लॉट नंबर 3 के एक बंदा है माली को एम के, जो यहाँ पे किल फीट में देखे थे फिलहाल वो। ओ भाई साहब क्या ही ग्रेनेड मारा भाई कैप्टन। अभी स्लॉट नंबर 14 के जो बंदे हैं अब देख सकते हैं रेड क्लॉज के स्लॉट पे खेल रहे हैं। वो फिलहाल बढ़िया ग्रेनेड से यहाँ पे फिनिश करते हुए बंदे को। बट आई थिंक नहीं, ये नाम याद आ रहा है कैप्टन। अभी यहाँ पे मालिक एम के नाम का जो बंदा था, जो बंदे को मारा उनका टीममेट था, उनको भी इन्होंने ही ख़त्म किया था। 2 किल यहाँ पे 1v2 करके गए, और मिल्टा के साइड वो झंडा गाड़ चुके हैं। फिलहाल फार्म के साइड चलेंगे तो पहुंच चुके हैं फार्म के साइड। यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लॉट नंबर 12 और स्लॉट नंबर 10 के बंदे वो फिलहाल फाइट लेते हुए। बट स्लॉट नंबर 10 के जो बंदे हैं, 2 बंदे सरवाइव कर रहे हैं, 2 बंदे फिनिश हो चुके हैं। सामने स्लॉट नंबर 12 के बंदे मौजूद हैं। स्लॉट नंबर 12 के बात करें तो एक बंदे उनका जो कैप्टन एस नाम का जो बंदा है वो फिलहाल सरवाइव कर रहे हैं। हाइपर के बंदा एक जो बंदा सरवाइव कर रहा था वो फिलहाल लॉबी चला गया है। हाइपर के टीम के बंदा स्लॉट नंबर 13 पे खेल रहा था। ओके तो फिलहाल स्लॉट नंबर 10 के बंदे उनके सामने इमोट करते हुए स्लॉट नंबर 12 के बंदे को दिखाई दे रहे थे। बट यहाँ पे स्लॉट नंबर 14 के जो बंदे हैं वो फिलहाल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट कैप्टन अभी यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब सिचुएशन में पड़ सकते हैं, क्योंकि टावर में जो बंदा मौजूद है वो यहाँ पे कैप्टन अभी को डाउन कर सकते हैं। बट स्लॉट नंबर 10 के बंदे कैसे सिचुएशन को संभालेंगे, या फिर स्लॉट नंबर 14 के बंदे वो कैसे बचेंगे सरवाइव करेंगे वो देखना है। बट स्लॉट नंबर 14 के बंदे कैप्टन अभी यहाँ पे बहुत ही ख़राब जगह में बैठे हुए हैं। बट क्योंकि स्लॉट नंबर 10 के साइड से वो ख़त्म होने वाले हैं, और बोलते ही बोलते गोलू बोलते उनको ख़त्म किए और अपने नाम पे किल सिक्योर कर चुके हैं। 2 किल स्लॉट नंबर 10 के नाम पे आ चुके हैं। स्लॉट नंबर 10 के सामने अभी स्लॉट नंबर 14 के बंदे हैं। तो फिलहाल इताची यहाँ पे स्लॉट नंबर 12 के बंदे को डाउन किए हैं। 7C के टीम के बंदे उनके नाम पे बहुत बारी बोल रहे हैं बट उनके साइड जा नहीं पा रहे हैं। स्लॉट नंबर 23 के बंदे वो कहाँ है एक बार देखना है। जो बंदे हैं वो फिलहाल 2 बंदे नॉक डाउन हो चुके हैं। तीसरे तब सुमित नाम का जो बंदा है वो फिलहाल टीममेट को रिवाइव देते हुए दिखाई दे रहे थे। बट स्लॉट नंबर 23 के जो बंदे हैं उनको ऐसे नहीं चढ़ना चाहिए था। मुझे लगता है कि ऐसे नहीं चढ़ना चाहिए था। स्लॉट नंबर 19 के बंदे फिलहाल यहाँ पे वो रिवाइव हो जाएंगे। बट स्लॉट नंबर 23 के एक भी बंदा फिनिश अभी तक नहीं हुआ है। थोड़ा सा ग्रेनेड कूप करके फेंक देता भाई, अच्छा स्मोक था, मैंने सोचा ग्रेनेड था। बट यहाँ पे स्लॉट नंबर 19 के बंदे और स्लॉट नंबर 23 के बंदे
कैसे एक दूसरे के ऊपर पुश करेंगे वो देखेंगे, बट सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर में स्लॉट नंबर 23 के बंदे को दिखाई दे रहे हो, स्लॉट नंबर 19 के बंदे को भी एकदम टॉप रूप पे दिखाई दे रहे हैं। स्लॉट नंबर 19 के बंदे ईपीएल के टीम के बंदे पहली बार खेल रहे हैं और इनके तीन बंदे सरवाइव कर रहे हैं, एक बंदे को खो चुके हैं बट एक किल सिक्योर कर चुके हैं। विशन एक्स, आई जेन विशन एक्स, वो पूरा उनका हेलमेट डैमेज हो चुका है, वेस्ट थोड़ा सा ही डैमेज हो चुका है, बट स्लॉट नंबर 23 के बंदे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे हैं। ओ विशन एक्स डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्लॉट नंबर 23 का जो बंदा है वो फिनिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशन एक्स यहाँ पे काफ़ी शानदार फाइट ले रहे थे बट वो उनके नाम पे बहुत बढ़िया किल सिक्योर कर सकते थे, वो अगर क्राउच होके डाउन होके मारते सबसे बढ़िया रहता, लेकिन वो खड़े होके पीक लेके मार रहे थे। बट यहाँ पे क्राउच होके पीक लेके मारते तो सबसे बढ़िया रहता है यहाँ पे, और इतनी क्लोज रेंज में 3x पे प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी वो सरवाइव कर रहे हैं, उनके टीममेट भी सरवाइव कर रहे हैं। पहले जो बंदा नॉक फिनिश हो गया था उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल स्लॉट नंबर 19 के जो बंदे हैं, तेलंगाना के टीम के बंदे स्लॉट नंबर 19, ईपीएल के टीम के बंदे 5 किल सिक्योर कर चुके हैं। सेवन सीज के टीम के बंदे यूपी के टीम के बंदे को लॉबी पहुँचा के फिलहाल यशना है पोलिया ने भी झंडा गाड़ते हुए दिखाई दिए हैं। सो फिलहाल हम लोग फिर से फार्म के साइड चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे क्या फाइट चल रहा है। सो फिलहाल हम लोग जैसे आए तो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं गोलू बोलते और एक बंदा था उनका ना इताची, वो फिनिश हो गए स्लॉट नंबर 10 के बंदे। स्लॉट नंबर 10 के ही बंदे होंगे, हाँ IIM के टीम के बंदे, महाराष्ट्र के टीम के बंदे, बट स्लॉट नंबर 15 के बंदे मोंगली वाइटी को आप देख सकते हैं फिलहाल एक किल कर चुके हैं। उनका टीम की बात करें तो यहाँ पे 3 किल उनके टीम के नाम पे आ चुका है। कॉडल जॉनी MH12, MH12 मतलब महाराष्ट्र 12 के बंदे, महाराष्ट्र 12 स्पोर्ट्स आई थिंक, बट यहाँ पे स्लॉट नंबर 15 को आगे जाके यहाँ पे बहुत बढ़िया फाइट करना चाहिए। हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग पहुंचने वाले हैं यसना पोलियाना के साइड, जहां पे 2 ड्रॉप यहां पे दिखाई दे रहे हैं। एक ड्रॉप पैराशूट से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट उनके इसमें है MG3 Level 3 हेलमेट फेस्ट बैकपैक। ओके सो फिलहाल हम लोग चलेंगे यामा स्पोर्ट्स के साइड और यामा स्पोर्ट्स के डिब के एक बंदा यहाँ पर डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्लॉट नंबर 12 के जो बंदे हैं, सॉरी स्लॉट नंबर 15 के जो बंदे हैं स्लॉट नंबर 2 के बंदे के ऊपर पुश कर चुके हैं मोगली वाइटी। यहाँ पे जोनाथन जी जे जोनाथन को डाउन कर चुके हैं फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। ओ माय गॉड, स्लॉट नंबर 15 के बंदे गॉर्डन जॉनी यहाँ पे फिलहाल उनका जो गन जो है ना रिलोड में चला गया था, बट यामा स्पोर्ट्स के टीम के बंदे वो उनको फिनिश नहीं कर पाए, डाउन नहीं कर पाए। बट जॉनी यहाँ पे गॉडल जॉनी नाम पे ही पावर है क्या, सब नाम रखते हैं जोनाथन जॉनी। अरे खुद का नाम बनाना बनाओगे कि दूसरा नाम कर कॉपी करोगे, ओके आपकी मर्जी। बट स्लॉट नंबर 15 के बंदे अभी 7 किल सिक्योर कर चुके हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक स्मैक्स के टीम के बंदे भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट ये टीम स्लॉट नंबर 11 के टीम के बंदे हैं, एक स्मैक्स के टीम के साथ अभी फिलहाल की 11 के टीम की फाइट हो चुका है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्लॉट नंबर 11 के जो बंदे हैं हेवन वो फिलहाल रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक स्मैक्स के टीम के बंदे उनको स्पॉट किए और टवाडप दिए, उनके भर दिए, बट एक स्मैक्स लेजेंड
वो हाफ डेड नहीं छोड़ते, बंदे को फुल फिनिश करके ही छोड़ते हैं। बट स्लॉट नंबर 11 के बंदे, वो दो बंदे को खो चुके हैं अभी, निंजा और डेविल। वो सरवाइव कर रहे हैं, बट निंजा अभी डाउन होते हुए थॉर के हाथों से। बट डेविल बहुत ज़्यादा लैगी इशू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपने टीममेट को रिवाइव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बट एक स्मैश के टीम के बंदे आई थिंक अभी पुश कर सकते हैं और पुश करेंगे भी। फिलहाल निंजा वो फिलहाल स्मोक के अंदर ही हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, बट एक्स मैक्स रावन वो दोनों बंदे को फिनिश करते हुए दिखाई दिए हैं। एक्स मैक्स के टीम के बंदे के साइड अभी 8 किल हो चुके हैं, किल सिक्योर हो चुके हैं। महाराष्ट्र 12 के जो बंदे थे वो भी 7 किल कर चुके थे, बहुत आसपास है इन लोगों की किल की डिजिट। बट देखते हैं लास्ट तक कौन सा टीम सरवाइव करेगा। सो फिलहाल एक्स मैक्स के टीम के बंदे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्स मैक्स लेजेंड, एक्स मैक्स वेनम, एक्स मैक्स रावन एंड एक्स मैक्स थॉर। तो जोन बन चुका है स्कूल, स्कूल अपार्टमेंट को लेके रोजो की पूरी कंपाउंड है। यास ने प्लोनिया के बगल से जोन की बॉर्डर गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल धीरे धीरे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्लॉट नंबर 21 के बंदे को देख सकते हैं, अपार्टमेंट के साइड मौजूद हैं दो बंदे। स्लॉट नंबर 21 के बंदे, एलएक्स के टीम के बंदे, 3 किल उनका सिक्योर हो चुका है। फिलहाल इनका बाकी टीममेट अगर सरवाइव करते तो सबसे बढ़िया यहाँ पे सीन हो सकता था। बट अभी फिलहाल 4v2 का सिचुएशन है। अगर क्लोज रेंज में स्लॉट नंबर 15 के बंदे पहुँच गए तो यहाँ पे स्लॉट नंबर 21 कैसे संभालेंगे वो देखना है। बट थॉम को दिखाई दे रहे हैं एक ग्रेनेड कूप किए थे, बट उस ग्रेनेड से कुछ फायदा हुआ नहीं। स्लॉट नंबर 21 के बंदे, अरे यार ओके चलो सही जगह में कैमरे को लेके पहुंच चुके हैं। स्लॉट नंबर 21 काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए क्योंकि दो बंदे हैं। स्लॉट नंबर 15 के बंदे उनके ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, अटैक कैसे करेंगे वो देखेंगे। मॉकली वाइजी स्लॉट नंबर 21 के लाइक सोलो। ओ भाई साहब, H12 के टीम के बंदे मॉकली वाइटी वहां पे फिनिश हो गए। बट 3 बंदे अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, 9 किल हो चुका है। एक्स मैक्स के टीम के बंदे फिलहाल स्लॉट नंबर 19 के बंदे के ऊपर टपाटप देते हुए एक बंदे को डाउन भी कर चुके हैं। रॉनी ओपी यहां पे डाउन है दिखाई दे रहे हैं स्लॉट नंबर 19 के बंदे। स्लॉट नंबर 25 के बंदे वेनम को ऐसे ओपन में जाना नहीं चाहिए, अगर टपाटप खा गए बाहर से तो बहुत दिक्कत हो सकता है। बट यहां पे फ्लैश को देख पा रहे हैं स्लॉट नंबर 19 के बंदे। ओके फ्लैश यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि ओपन में है, अपने टीममेट उनके बगल में नहीं है। फिशन एक्स को देख पा रहे हैं, वो अपने टीममेट से बहुत दूर है। फिलहाल वो सर्वाइव कैसे करेंगे, अपने टीममेट को रिवाइव कैसे देंगे वो देखना है। बट वो भी इसे टाइम पीक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट उनके टीममेट रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट फिशन एक्स उनके उनके टीममेट को बचाने की कोशिश में है। बट फ्लैश बैनम बोल रहा हूँ, आईजीएम फ्लैश वो फिलहाल व्हाट द हेल ये क्या कर रहे हैं। अरे हार माँ कसम, विजन एक्स उनको बचाए नहीं, बट बहुत ही खराब लगा फ्लैश के लिए
क्योंकि विसनक्स चाहते तो उनको बचा सकते थे, बट वो अपने टीममेट को नहीं बचा पाए या फिर बचाना नहीं चाहते थे। क्या था जानने के लिए देखते रहिए अल्ट्राडोन गेमिंग। ओके मजाक छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। एक्स मैक्स के टीम के बंदे, अभी 4 बंदे सरवाइव कर रहे हैं। विसन एक्स लॉर्ड नंबर 19 के जो बंदे हैं, इविल के टीम के बंदे, तेलंगाना के टीम के एक सोलो राउंडर सर्वाइव कर रहे हैं, और एमएच 12 के जो बंदे हैं वो 3 बंदे सर्वाइव कर रहे हैं। तो फिलहाल हो गए टोटल 3 टीम और 8 बंदे। अभी फिलहाल देखना यह है कि कौन सा टीम लेगा विनर विनर चिकन डिनर। विसन एक्स को भी यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं करेंगे, वो भी चिकन डिनर ले सकते हैं। अक्सर देखें एक सोलो राउंडर दिमाग से खेल गया अगर पूरी टीम के साथ तो चिकन डिनर लेके जा सकता है, अगर गलत सीन ना करे तो। सो फिलहाल अभी इनको थोड़ा सा फाइट को इग्नोर करके सही पोजीशन में जाना है और सही टाइम पे सही फाइट का इंतज़ार करना चाहिए। बट एक मैक्स के टीम के बंदे अभी भी उसी कंपाउंड को पकड़ के बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। टोटल 8 बंदे, 3 टीम, बहुत बड़ी नाइंसाफी है क्योंकि इतनी बड़ी जोन है। इस जोन में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे ऑलमोस्ट 10 टीम को मिनिमम, बट प्रैक्टिस मैच है, कोई भी उतना सीरियसली नहीं खेलते हैं। सब टपा टप करने के पीछे लगे पड़ते हैं, कोई चिकन के लिए नहीं खेलता है। बट लास्ट टाइम में जब इस सिचुएशन में आ जाते हैं, लास्ट जोन के आसपास आ जाते हैं, तब जाके कोई भी ना कोई टीम को लगता है कि अभी चिकन डिनर लेने के लिए खेलते हैं। बट अभी एक्स मैक्स के टीम के बंदे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने एमएच 12 के टीम के बंदे, वो ओके वेनम यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। स्लॉट नंबर जो है विजन एक्स, वो फिलहाल यहाँ पे एक बंदे को, एक्स मैक्स के टीम के बंदे को डाउन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजन एक्स भी डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्स मैक्स लेजेंड को वो डाउन करते हुए दिखाई दिए हैं। बट एक्स मैक्स के 3 बंदे एक साथ, लेजेंड बहुत ही अलग साइड है, उनको रिवाइव देना पॉसिबल नहीं होगा। स्लॉट नंबर 15 के बंदे, एमएच 12 के 2 बंदे यहाँ पे नॉक डाउन थे, वो यहाँ पे इसी टाइम रिवाइव भी हो चुके हैं, हीलिंग भी कर लेंगे और रोटेशन भी मार सकते हैं। मुझे लगता है कि रोटेशन अभी देना नहीं चाहिए और थोड़ा सा पीक लेना भी यहाँ पे नहीं चाहिए। तो फिलहाल एक्स मैक्स के टीम के जो बंदे हैं वो फिलहाल विजन एक्स के ऊपर रावन स्कोपिंग करके फायर देने का कोशिश कर रहे हैं, स्कोपिंग करके बैठे हैं, बट पेड़ उनके सामने, स्कोप के सामने आ रहे हैं, तो विजन एक्स स्पॉट नहीं हुए हैं एक्स मैक्स रावन की साइड से। बट एक्स मैक्स थॉर उनकी पोजीशन देखते हैं, वो बिल्कुल जोन के अंदर, बट एक्स मैक्स रावण आई थिंक जोन के बाहर है। बट उनको रोटेशन देना पड़ेगा, ज़रूरी है उनको रोटेशन देने का क्योंकि जोन स्टार्ट हो चुका है। विजन एक्स की बात करें तो वो यहाँ पे थोड़ा सा ओपन में ज़रूर है, बट एक्स मैक्स रावण वो फिलहाल नॉक डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है? एक्स मैक्स की टीम के हाथों से अच्छा खासा गेम हाथ से निकल जाएगा, देखना पड़ेगा। बट विजन एक्स आई थिंक रावण को फिनिश कर सकते हैं, बट फेनम के साइड से, रावण के साइड एक स्मोक गया है, रावण बच भी सकता है, बट बचा पाएंगे या फिर नहीं वो देखेंगे। ओके सही जगह पे रिवाइव देते हुए फेनम, बट थोड़ा सा चैलेंजिंग बन चुका है एक्स मैक्स के टीम के लिए क्योंकि जोन में उनको रोटेशन देना पड़ेगा। स्लॉट नंबर 15 के बंदे, वो एमएच 12 के जो टीम के बंदे हैं, महाराष्ट्र के टीम के बंदे, वो मौके पे चौका मार गए क्योंकि वो सही टाइम पे रोटेशन दे चुके हैं जोन के अंदर। अभी विजन एक्स स्लॉट नंबर 19 के जो बंदे हैं
उनको जोन में रोटेशन देना पड़ेगा और एक्स मैक्स की तीन बंदे को यहाँ पे जोन में रोटेशन देना पड़ेगा। स्लॉट नंबर 15 के बंदे अब देख सकते हैं बिल्कुल जोन के अंदर पहुँच चुके हैं। फिशन एक्स वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जोन के अंदर, बट वो बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं जोन के अंदर, बट सरवाइव कैसे करेंगे? बहुत ही टफ सिचुएशन है एक्स मैक्स के टीम के लिए। बट फिशन एक्स पॉट हो चुके हैं एक्स मैक्स के टीम के हाथों से। अभी उनको रोटेशन देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बट स्लॉट नंबर 15 के बंदे उनके रास्ते में रुकावट हो सकते हैं। बट एक्स मैक्स थॉर को देखिए, जोन के अंदर पहुंच चुके हैं कैसे अब स्लॉट नंबर 15 के बंदे, वो फिलहाल एक्स मैक्स की टीम के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। एक्स मैक्स की टीम के बंदे धीरे धीरे चोट का डैमेज खा रहे हैं, बट होगा क्या? थॉर यहाँ पे केशव के हाथों से नॉक डाउन होते हुए, रावण वो फिलहाल देख पा रहे हैं वो भी डाउन हो चुके हैं। वेनम ओनली सरवाइव करते हुए, बट वो भी MH12 के बंदे के हाथों से फिनिश हो गए। और MH12 के बंदे आज विनर विनर चिकन डिनर लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र की टीम। ऑल द बेस्ट गाइज, लव यू, टेक केयर। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.